कि अभी लोकतंत्र के महापर्व अच्छा लगता है, कोई दिक्कत नहीं आई, हल्का भी लगता है कि कम से कम अपना पेपर अपन ने भर दिया और टोटल टीम का रिजल्ट क्या आएगा वो 11 तारीख को पता चलेगा। लेकिन मत अपना डाला, प्रजातांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेने का पुनः ये अवसर मिला, बहुत अच्छा लगा। लेकिन दावे किए गए थे ईवीएम वगैरह कभी खराब नहीं होगा, इंजीनियर सलाह किए गए थे, फिर ईवीएम खराब नहीं, ये बार बार प्रमाणित होता चला जा रहा है, अभी आरोप की श्रेणी में नहीं रह गया, बार बार प्रमाणित होता चला जा रहा है कि बड़े पैमाने पे ये मशीनें ठीक से काम नहीं कर रही, और हजार में एक दो मशीन खराब हो तो ये माना जा सकता है, चलिए वो एक आध खराब हो गया तो दुनिया में हर चीज कुछ हो सकता है, लेकिन अगर एक विधानसभा में 20-20 25-25 मशीनें खराब हो रही हैं जो करीब 10% हो जाता है तो ये ठीक नहीं। आपने पूरे छत्तीसगढ़ की यात्राएं की, एक कुछ तो रुझान मिला होगा आपको देखे कि प्रदेश में क्या माहौल है, क्या वाकई कांग्रेस की सरकार बन रही है? बन रही है, निश्चित रूप से। ऐसा किस बिहार पे कह पाएंगे? लोगों का एक रिस्पॉन्स मिल जाता है जब हम लोग लोगों से बात करते हैं तो लोग आंख कैसे मिला रहे हैं, कैसे मुस्कुरा रहे हैं, उनका बॉडी लैंग्वेज क्या है, इतना अनुभव इतने सालों में हो जाता है कि लोगों की मंशा क्या है, उनकी मुस्कुराहट कितनी ओपन है, कितनी फॉर्मल है, कितना एक व्यवहारिक रूप से ही वो कर रहे हैं, कितने अपनेपन से वो रिएक्ट करते हैं। अगर एकदम ही भापने की स्थिति नहीं है, मेरे चश्मे का पावर अगर एकदम गड़बड़ा गया है तभी गलती होगी, वरना कांग्रेस की सरकार कोई बड़ी बात नहीं है उसमें। मैं इसलिए भी अब इस बात को कह रहा हूँ, वरना हम लोग तो दूसरे ने जो कहा उसके एक कदम आगे बढ़ के बोलते हैं, क्योंकि मीडिया के सामने उस सामने वाले ने कुछ कहा तो हम छोटे कैसे दिखें। लेकिन किसान अगर छत्तीसगढ़ में धान नहीं ले जा रहा है तो उसने तो वोट पहले ही डाल दिया कांग्रेस के। आप खुद ही मुख्यमंत्री बनेंगे इच्छा जाहिर कर चुके हैं, तो ऐसी जब स्थिति बनती है उस वक्त किस तरह से मुख्यमंत्री का चुनाव होगा? वो 3-4 महीने पहले की बात थी जब मैंने कुछ बात कही थी, ये मैंने नहीं कहा था कि मैं बनना चाहता हूँ। लोग ये पूछते थे कि कांग्रेस के पास चेहरे ही नहीं, तो मैं ये अक्सर कहा करता था कि चेहरा है, कई चेहरे हैं, एक ही नहीं। मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि मैं मुख्यमंत्री बनना चाहता हूँ, एक बार भी आप मेरी कोई भी रिकॉर्डिंग उठा के आप देख लो कि मुख्यमंत्री बनना चाहता हूँ, मैंने कभी नहीं कहा, क्योंकि एक प्रक्रिया है और पार्टी की हायरार्की होती है, विधायक दल होता है, उसको हम सुपरसीड कैसे कर सकते हैं, यही तो व्यक्तिवाद घातक होता है प्रजातंत्र। आज जितनी आसानी से आप उपलब्ध हैं सरगुजा की जनता के लिए, अगर सीएम आप बनते हैं तो क्या इतनी आसानी से उपलब्ध रहेंगे आप? सीएम मत बनाइए अभी, नहीं तो फिर मेरे नंबर कट जाएंगे। पहले तो मैं जीत जाऊं, फिर कांग्रेस पार्टी का बहुमत आ जाए, फिर बहुमत के बाद विधायक दल के निर्णय आ जाए। सत्ता शासन में जाने के बाद काम करने की स्थितियां होती हैं, मैं ये जरूर कह सकता हूं कि किसी भी स्थिति में मैं रहूंगा, अपने आप को जैसा उपलब्ध करा पाता हूं सुलभ रूप से मैं उपलब्ध कराना भी चाहूंगा और हर संभव प्रयास करूंगा कि ऐसी बात ना आए कि कोई मिल नहीं रहा। शुक्रिया।